नीतीश कुमार के पार्टी से ही तीन दावेदार सीतामढ़ी में खड़े हो गए ठाकुर ब्राह्मण सुनील कुमार पिंटू वैश्य और दिलीप राय यादव तीन तो एक पार्टी से प्रत्याश अब महागठबंधन में आइए तो सबसे पहले अर्जुन राय जो सिटिंग जो एम रह चुके हैं दो में एक एम पी रह चुके हैं इसके अलावा रितु जायसवाल और बीजेपी के सीतामढ़ी जिला के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विशाल कुमार विशाल कुमार विश वह समाज से ही आते हैं तो वैसी स्थिति में उनके नाम पर भी बीजेपी में चर्चा है दिल्ली में उनके नाम पर चर्चा चल रही है और देखिए बीजेपी इस बार जो सीतामढ़ी में जो लहर दिख रहा है बीजेपी वहां पर एक नया चेहरा लाएगी बिंदु का टिकट कटेगा और चूंकि राजनाथ सिंह बोलकर गए हैं कोई बिहार का नेता नहीं बोला है कि सीतामढ़ी से सी कमल खिलेगा राजनाथ सिंह दिल्ली से आकर बोलकर गए हैं मतलब सीतामढ़ी बीजेपी के लिस्ट में है जहां से बीजेपी का प्रत्याशी उतरेगा दोस्तों देश में लोकसभा के चुनावों के तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है और हम बिहार में चालीसों लोकसभा सीट पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं देखिए आज हम फिर से सीतामढ़ी लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करने बैठे हैं योद्धाओं का रन स्थली बनते हुए जा रहा है सीतामढ़ी सीट देखिए कई उम्मीदवार हैं कई दावेदार हैं चाहे आई एन गठबंधन हो या एन गठबंधन हो दोनों में कई उम्मीदवार कई दावेदार जो हैं अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं देखिए हमारे साथ सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं सीतामढ़ी लोकसभा सीट एक अनार सो बीमार की स्थिति उत्पन्न हो रही है कई जो हैं पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं चाहे आई गठबंधन से हो या फिर एन गठबंधन से हो क्या लग रहा है किसको जो है सीतामढ़ी का टिकट मिलने वाला है देखिए सीतामढ़ी का टिकट इसलिए कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है कि एक सीट से आठ चेहरे हैं सभी चेहरे जितने भी लोग हैं सभी का दावा है कि भाई सीट हमारा है हाजीपुर में तो दो ही ना प्रत्याशी हैं पारस और चिराग लेकिन सीतामढ़ी में उस तरह के कई प्रत्याशी हैं और सब का दावा है कि हमें को टिकट मिल रहा है हमारा नेता ने कह दिया है कैंपेनिंग तक शुरू हो गया है पोस्टर लग गए हैं सीतामढ़ी इस बार बिहार का शायद और लगातार खबर इस पर लिखा जा रहा है अब सीतामढ़ी पर रोज कोई ना कोई खबर मिल जाता है देखिए सीतामढ़ी कि पहले हम जरा जाति समीकरण को समझेंगे एक बात तो स्पष्ट है कि सीतामढ़ी यादव बाहुल्य इलाका है कई वहां से सांसद जो है कई टर्म चाहे सीताराम यादव हो नागेश्वर राय हो, हुकुमदेव नारायण यादव हो इस तरह के कई नाम बच्चा राय हो। वहां पर यादवों का एक बोलबाला रहा और लगातार सिलसिलेवार तरीके से यादव ही सांसद वहां पर बनते गए और जो एक बार बने वो दो बार तीन बार बने हैं तो जाति समीकरण पर अगर हम नजर डालें तो यादव इस क्षेत्र के हर पांच वोटर में से एक वोटर यादव है मतलब 20 प्रतिशत वोट अकेले यादव जाति का है सीतामढ़ी में 20 प्रतिशत और उतना ही वोट अति पिछड़ा का है मतलब अति पिछड़ी जाति जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास उनका भी बीस है इसके अलावा मुस्लिम मतदाता वहां पर सत्रह है सत्रह मुस्लिम मतदाता है कुशवाहा सात है दलित 19 प्रतिशत है और सवर्ण 17 प्रतिशत है तो सबसे ज़्यादा बहुलता वहां पर अगर एक जाति की बात की जाए तो यादव है जो एक मुस्त एक जाति होता है ना वो यादव है उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको आते हैं जाति के तौर पर तो वो मुस्लिम है एक धर्म के लोग और फिर कुछ कुशवाहा है बाकी अति पिछड़े में सभी जातियाँ हैं उनको जोड़कर जो वोट है वो बीस प्रतिशत है दलित में सभी को जोड़कर उन्नीस प्रतिशत है सवर्ण में चारों जाति को जोड़कर तब सत्रह प्रतिशत है अब देखिए दो में वहाँ से जो क्या रामनाथ शर्मा राम कुमार शर्मा आरएल का टिकट पर लड़े और जीत गए तो पहली बार बीजेपी ने रणनीति के तहत सीतामढ़ी जो यादव बाहुल और यादवों का एक वर्चस्व था उस पे उसको नहीं। नहीं। तोड़ा और फिर 2019 में वहां से वैस समाज से साहू समाज से आते हैं सुनील कुमार पिंटू उन पर नीतीश कुमार ने दाव खेला और यादवों के किले को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर अब इस बार हरे क्या बात कर रहे हैं कौन कौन चेहरा हो सकता है पहले एनडीए पे ही चर्चा कर लेते हैं कि एनडीए से चूंकि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी एनडीए में ही है महागठबंधन में, एल के में भी है लेकिन एनडीए में ज्यादा बड़ा विवाद है देखिए एनडीए में एक चेहरा जो प्रमुखता से आज से दो महीना पहले विधानसभा में बोल दिया कि हमको हमारे नेता ने टिकट फाइनल कर दिया देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण चेहरा है सीतामढ़ी से हैं और वो लगातार दो महीने से वहां पर खूटा गाड़ कर बैठे हुए हैं कैंपेनिंग कर रहे हैं सीतामढ़ी में कि नीतीश कुमार ने तो मेरा टिकट फाइनल कर दिया है और मेरे लिए नीतीश कुमार बीजेपी तक से बार्गेन कर लेंगे और जरूरत पड़ी तो लड़ाई भी कर लेंगे कि सीतामढ़ी हमको ही चाहिए क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर को वहां पर चुनाव लड़ना है तो एक तो ये विवाद है और किसके खिलाफ वो कैंपेनिंग कर रहे हैं जदयू के ही सांसद है वहां पर सुनील कुमार पिंटू सुनील कुमार पिंटू ने स्पष्ट कर दिया है अभी कुछ ही दिन पहले बयान देकर कि चाहे कुछ भी हो जाए सीट अपने छोड़ने वाले हैं वो भी आते हैं उसी समाज से वैश्य समाज से इन दोनों के अलावा दिलीप राय जो सुरसंड से विधायक हैं जेडीयू के विधायक हैं वो अब दावा कर रहे हैं इस सीट पर लगातार कि मेरे नाम की चर्चा भी नीतीश कुमार के यहाँ हो रही है सुरसंड से विधायक है दिलीप राय यादव जाति से आते हैं और यादवों का सीट है उनका दावा है कि भाई हमारे जाति का सीट है हमको दीजिए तो नीतीश कुमार के पार्टी से ही तीन दावेदार सीतामढ़ी में खड़े हो गए देवेचंद ठाकुर ब्राह्मण सुनील कुमार पिंटू वैश्य और दिलीप राय यादव तीन तो एक पार्टी से प्रत्याशी हैं अब इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह आए थे यहाँ पे दौरे पर पुनौराधाम गए हुए थे सीतामढ़ी में जनकी स्थल से घूम रहे थे वहां पे उन्होंने कह दिया कि इस बार कमल ही खिलेगा सीतामढ़ी में और बीजेपी के सीतामढ़ी जिला के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विशाल, विशाल, विशाल कुमार विशाल कुमार वह समाज से ही आते हैं और कोरोना काल में भी उन्होंने बढ़िया काम किया इसके अलावा लगातार बीजेपी के सभी अभियानों में जुड़े रहे हैं काफी एक्टिव है अपने स्तर से मेयर के चुनाव में बढ़िया परफॉर्म कर चुके हैं मतलब सबसे अधिक वोट उन्हीं को मिल रहा था कुछ कारण वो हारे तो वैसी स्थिति में उनके नाम पर भी बीजेपी में चर्चा है दिल्ली में उनके नाम पर चर्चा चल रही है और देखिए बीजेपी इस बार जो सीतामढ़ी में जो लहर दिख रहा है बीजेपी वहां पर एक नया चेहरा लाएगी और बीजेपी वहां पर एक पिछड़ा समाज के व्यक्ति को ही लड़ाएगी कारण समझिए अगर देवेश ठाकुर लड़े और उनके खिलाफ राजद या तेजस्वी अगर कोई यादव को खड़ा कर दिया कोई अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति खड़ा कर दे तो अति पिछड़ा प्लस यादव प्लस मुस्लिम उस सीट पर संतावन वोट सिर्फ इन तीन जातियों का है 20 यादव अति पिछड़ा सत्रह प्रतिशत मुस्लिम तो एक तरफा वोटिंग हो जाएगा और देवचंद ठाकुर हार जाएंगे तो इसलिए बीजेपी किसी पिछड़ा को ही टिकट देगा और उसमें सबसे जो उपयुक्त नाम सामने आ रहा है वो विशाल कुमार का है युवाओं में भी पकड़ है युवाओं में अच्छी पकड़ है उनका उसके बाद वहां के कई एन से जुड़े हुए हैं अभी लगातार है उसमें काम भी उनका चल रहा है तो विशाल कुमार का नाम बीजेपी में चर्चा है हम इससे इनकार नहीं करेंगे उनका नाम चर्चा नहीं है तो ये बीजेपी की तरफ से कोई अगर युवा चेहरा है तो यही है जो सीट से दावेदारी कर रहे हैं उनके नाम की चर्चा बीजेपी में है ये हुआ इंडिया गठबंधन का बात अब महागठबंधन पर आते हैं शुभम महागठबंधन में जिस नेता की नाम सबसे प्रमुखता से चल रही है 2009 में सांसद रह भी चुके हैं अर्जुन राय यादव जाति से ही आते हैं तेजस्वी के बेहद करीब हैं तो अर्जुन राय का नाम चल रहा है इसे इन कारण हम नहीं करेंगे इसके अलावा एक वो जो है जायसवाल में जैस्वाल। रितु जायसवाल वो उनका गृह क्षेत्र है और वो भी काफी कैंपेनिंग कर रही हैं और उनका भी अप्रोच है चाह रही हैं चुनाव लड़ना तय तेजस्वी करेंगे कौन लड़ेगा लेकिन और वैस्य समाज से ही आती हैं वैसे का वोट वहां पर है अच्छा खासा बड़ा वोट है वहां पर तो ऋतु जायसवाल का नाम भी चल रहा है महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से माधव आनंद पिछले छह महीने से वहां कैंप लगाकर बैठे हुए हैं कि सीतामढ़ी हम ही को लड़ना है उपेंद्र कुशवाहा का पिछले कुछ दिनों में पांच दौरा सीतामढ़ी का हो चुका है तो अब नाम अब गिन लीजिए एक बार फिर नाम गिनवा दे रहे हैं एनडीए से कितने दावेदार हैं जदयू से तीन दावेदार हो गए दिलीप राय देवेश चंद ठाकुर और सुनील कुमार पिंटू जो सिटिंग एमपी है इसके अलावा बीजेपी से विशाल कुमार का नाम चल रहा है युवा चेहरा है अब महागठबंधन में आइए तो सबसे पहले अर्जुन राय जो सिटिंग जो एम रह चुके हैं दो में एक से एम रह चुके हैं इसके अलावा ऋतु जायसवाल तो इतने प्रत्याशी हैं मतलब एक एक पार्टी से दो दो तीन तीन प्रत्याशी हैं अब ऐसे में महागठबंधन की जय देखिये महागठबंधन से जो ज्यादा चांसेस बन रहा है वो अर्जुन राय का ही बन रहा है हालांकि अर्जुन राय लगातार हारे भी हैं लेकिन एनडीए में पेच फंसेगा और मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है कि अगर देवेश ठाकुर को वो टिकट सीट गया तो वहां पर अब कमजोर पड़ जाएगी भाजपा जो है हालांकि सवन वोटर बीजेपी के नाम पर दे भी सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है नीतीश के खिलाफ बड़ा एंटी इनकम्डेंसी है तो वोट कट भी सकता है और अति पिछड़ी जाती है और यादव तो वोट नहीं करेगा तो उसमें बड़ा नुकसान होगा तो देखिए अब कैसे तय होता है लेकिन इतने चेहरे हैं लाइन में अच्छा जदयू और भाजपा में कुछ कला ना हो इसके लिए कहीं उपेंद्र कुशवाहा को तो सीट नहीं दे दिया जाएगा क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि सीतामढ़ी सीट सीतामढ़ी सीट से मुझे काफ़ी आशीर्वाद मिला सीतामढ़ी के लोगों से मुझे काफी काफ़ी आशीर्वाद मिला है एक दिल का कनेक्शन है मेरा सीतामढ़ी सीट से देखिए उपेंद्र कुशवाहा का चांस हमको इसलिए कम लगता है सीतामढ़ी से क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की जो खबरें हैं क्या जो दिल्ली रवाना भी हो गए हैं अमिताभ अकेले उनकी मुलाकात भी है एक से अधिक सीट उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी नहीं देने जा रही है वो सीट काराकाट होगा उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का मतलब मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी उनको एक से अधिक सीट देगी उनको और मांझी जी को एक एक सीट देगी हाँ ये होगा कि जीतने के बाद उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा यह संभावना है लेकिन उससे अधिक सीट बीजेपी उनको नहीं देने जा रही है और जहां तक बात जदयू की है तो बार बार ये बात सामने आता है निकलकर कि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव से मतलब है उनको विधानसभा में अधिक सीटें चाहिए सुनील कुमार पिंटू का छवि कोई अच्छा नहीं है क्षेत्र में सुनील कुमार पिंटू का छवि कोई अच्छा उस क्षेत्र में नहीं है कई तरह का भी तो क्या बोला थे कई तरह के मतलब विवादित मामलों में नाम उनका आते रहा है तो उनका टिकट तो कटना तय है कि सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटेगा और चूंकि राजनाथ सिंह बोलकर गए हैं कोई बिहार का नेता नहीं बोला है कि सीतामढ़ी से सी कमल खिलेगा राजनाथ सिंह दिल्ली से आकर बोलकर गए हैं मतलब सीतामढ़ी बीजेपी के लिस्ट में है जहां से बीजेपी का प्रत्याशी उतरेगा ये मानकर चलिए अच्छा सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटना नीतीश कुमार से क्या आपसी कला हुई थी जदयू से कला हुई थी जदयू के खिलाफ हमेशा बोलते हुए नजर आ रहे थे सुनील कुमार पिंटू तेली समाज को लेकर भी वो बोले हुए थे और तो क्या सुनील कुमार पिंटू का काटना नीतीश कुमार के कारण ये चीज हो रहा है कि पिंटू का टिकट जाए सुनील कुमार पिंटू जेडीयू में रहते हुए लगातार बीजेपी का तारीफ भी किए हैं हाँ। नरेंद्र मोदी का तारीफ तब कर रहे थे जब नीतीश कुमार इस तरफ थे महागठबंधन में थे तभी से वो लिस्ट पे है कि उनका टिकट कटना है नया और कई तरह के विवादित मामलों में उनका नाम भी आते रहा है तो सांसदी का चुनाव बड़ा चुनाव होता है कई है। है तो की, की, की लोग, में, है। में लोग है का, लो का टिकट कट जाता है सिटिंग एमपी का टिकट कटते कर, कर, रहा है बीजेपी अभी एक सौ पंचानवे का जो सूची जारी की कई सांसदों का टिकट काट दी तो ऐसा कुछ नहीं है जीतने वाला जो प्रत्याशी होगा उसको उतारा जाएगा और देखिए बीजेपी अभी फिलहाल एक नया खेप बिहार में तैयार करना चाह रही है ऐसे सांसदों का ऐसे विधायकों का जो अगले पाँच दस साल बीस साल काम कर सके तो उसमें कोई नया चेहरा ही बीजेपी आजमाएगी सुनील कुमार पिंटू का चांस मुझे नहीं लगता है कि सुनील कुमार पिंटू को इस बार नीतीश कुमार ही लड़ाएंगे अगर जेड को भी सीट गया तो पिंटू जी नहीं लड़ेंगे देवेचंद ठाकुर लड़ सकते हैं दिलीप राय लड़ सकते हैं पिंटू जी नहीं लड़ेंगे चलिए तो सीतामढ़ी सीट में कई दावेदार हैं जहाँ तक एन की बात करें तो एनडीए से भी देवेशचंद ठाकुर का ऐलान नीतीश कुमार ने तो कर दिया है लेकिन सुनील कुमार पिंटू भी लाइन में है माधव आनंद लाइन में है आपको बता दें कि विशाल कुमार विशाल कुमार भी जो हैं उनकी भी चर्चा चल रही है काफ़ी लोकप्रिय हैं भाजपा के जिला के उपाध्यक्ष भी हैं और अगर महागठबंधन की बात करें तो दिलीप राय अर्जुन राय माफ़ कीजिएगा अर्जुन राय राम कुमार शर्मा ऋतु जायसवाल जैसे नाम जो हैं वह सामने आ रहे हैं तो आपकी क्या राय है सीतामढ़ी सीट से कौन प्रबल दावेदार है किसको टिकट मिलना चाहिए कौन उचित उम्मीदवार होगा सीतामढ़ी के लिए एनडीए के तरफ से भी या फिर आई एन डी आई ए गठबंधन के तरफ से भी आप भी हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं धन्यवाद